आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। इस वक्त हालात क्या हैं सबको पता है, एक छोटे से वायरस ने पूरी इंडिया की नाक में, इवन पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। सब परेशान हैं उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन लगा दिया गया है, घर से आप बाहर नहीं निकल सकते अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल कर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सड़क पर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, उनके लिए बाहर निकल कर हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर कर ये बोल रहे हैं कि ये वायरस तुम लोग लेकर आए हो, तुम लोग चाइना से हो, तुम्हारा चेहरा वैसा दिखता है, तुम लोग के लुक्स वैसे हैं, इसलिए ये वायरस तुम लोग लेकर आए हो और तुम्हारे अंदर ये वायरस है, तुम इन्फेक्टेड हो। उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है, कोरोना वायरस कहकर उन्हें बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो कि इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। पुणे के एक सुपरमार्केट में एक लेडी एक मणिपुरी लड़की के साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रही है, ये बोलकर कि तुम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। वहीं पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर एक लड़की, वेस्ट बंगाल की एक लड़की, वीडियो बनाकर ये प्रूव कर रही है कि मैं चाइना से नहीं हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरी फैमिली इंडिया की है, मेरे माँ बाप इंडिया के हैं, मैं भी इंडिया में ही पैदा हुई हूँ, मैं चाइना की नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोरोना वायरस बोलकर परेशान मत कीजिए। इवन लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक केस सामने आया जहाँ पर एक लड़की को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया ये बोलकर कि तुम इन्फेक्टेड हो कोरोना वायरस से। इस वक्त हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, ये सब 24 घंटे जाग जाग कर पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह इस वायरस से निजात पाया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। मुझे पता है ये कुछ ही लोग हैं, हर कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है। मैं उन्हीं को बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो, ऐसी सोच मत रखो। इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम साथ में रहें और साथ मिलकर ये जो हमारे सामने मुसीबत खड़ी है इससे हम आगे निकल कर आएं। और आपको पता भी नहीं चलेगा ये जो आप छोटी मोटी मस्ती कर रहे हो ना, ये कब एक रेसल अटैक में बदल जाएगी, एक नफरत में बदल जाएगी। एक वायरस से निजात पाना आसान है, उसका वैक्सीन बन जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रेसिज्म का जो वायरस होता है ना, उससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। ये आगे जाकर और बढ़ेगा, तो इस चीज़ को आगे मत बढ़ने दो। वैसे ही प्रॉब्लम अपने यहाँ इतनी सारी हैं, एटलीस्ट अब एक नया प्रॉब्लम मत लेकर आओ। ये वायरस आ जाए, कल चला जाएगा, हम लोग के बीच में फालतू में एक और नई दीवार खड़ी हो जाएगी। वो लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जैसा मैं हूँ, जैसे आप हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं, इंडिया का पार्ट हैं, इंडियंस हैं वो, तो उनके साथ ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत है और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट होकर आया हूँ, गुवाहाटी गया था, शिलोंग गया था, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, और वीडियो बनाया मैंने नॉर्थ ईस्ट का, ये मेरा आखिरी वीडियो है शिलोंग का, प्लीज़ इसे देखो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए अपलोड कर रहा हूं। इस वक्त इस सिचुएशन में मैं किसी भी तरीके से ट्रैवलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड वॉच दिस वीडियो। एंड बाय द वे, ये मेरी छत है, मैं घर के बाहर नहीं हूँ, ठीक है, मज़े लो वीडियो के। एज क्या है? एज 13 हो? खुद का मोबाइल है तुम्हारा? नहीं। तो तुम्हारे घर वाले दे देते हैं तुमको? वो देखो कैमरे की तरफ बोलो हाय, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नॉर्थ ईस्ट के लोग। Rock it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Took a loss, that's your loss. Had to get my point across. So good morning guys, सुबह का समय है, 8:30 बज रहा है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त पुलिस बाजार के पास। मौसम अच्छा है, 10 से 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है यहाँ पर, रात को थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। ये दूसरा दिन है हमारा शिलोंग में और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं शिलोंग को एक्सप्लोर करने के लिए। शिलोंग की जो बेस्ट प्लेसेस हैं वो मैं देखने की कोशिश करूँगा एक दिन के अंदर। इसके लिए मैंने एक कैब हायर करी है, यहाँ की लोकल कैब है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा आइडिया है यहाँ की जगहों के बारे में, तो घुमाने के साथ साथ वो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हैं। और आई थिंक वो आ भी गए हैं, उनकी गाड़ी आ गई है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और शुरुआत करते हैं शिलोंग को एक्सप्लोर करने की। आ जाओ। अरे बाप रे, बहुत टाइम के बाद 800 में बैठा हूँ मैं। शिलोंग में चलता है अभी? शिलोंग में यही चलता है। बाय द वे, मैंने गाड़ी चलाना इसी गाड़ी से सीखा था, मारुति 800। तो अभी सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? काम करिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए पहले। अभी हम जा रहे हैं कहीं किसी जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। संजीव भाई मेरे को लेकर जा रहे हैं शिलोंग की छोटी छोटी पतली पतली गलियों से। ये शिलोंग में लबान करके एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, और सुबह का नाश्ता यहाँ पर जो ज़्यादातर किया जाता है वो होता है पूड़ी भाजी सब्ज़ी। ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? रोटी, पूड़ी सब्जी, परोठा, पाव भाजी। पूड़ी भाजी मिलेगी? हाँ हाँ, तो पूड़ी भाजी खिला दीजिए। छोले, पूड़ी, अचार,
छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसके सामने एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है जिसका नाम है लबान प्रेस्बिटेरियन हायर सेकेंडरी स्कूल। ये शायद खासी लोगों की कोई कम्युनिटी है, उन्हीं लोगों का स्कूल है, खासी स्कूल है। तो बेसिकली जो खासी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं वही यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ के साथ सामने जो नज़ारे हैं इस कस्बे के छोटे से गाँव के वो ले रहे हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ का जो ट्रैफिक रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और उसको फॉलो भी करते हैं यहाँ के लोग। इतनी पतली रोड है उसके बाद भी कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है और अपनी लेन पकड़ के चल रहे हैं, जबकि ये पूरी लेन खाली पड़ी है जहाँ से हम जा रहे हैं और सामने वाली लेन में लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है किसी को। जबकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं कोई सिग्नल है या पुलिस वाला है, कोई भी नहीं है, बावजूद उसके लोग अपनी लेन पकड़ कर ही आ रहे हैं। तो अननेसेसरी कोई भी हॉन्किंग पोंकिंग नहीं करता है, किसी तरह का कोई नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे पान खाने का ऐसा तरीका है, सादा पान खा लेते हैं? सादा, ये चूना होता है अंदर पे से। बस ऐसे ही चूना लगाते हो और खा लेते हो बस, और कुछ नहीं। ये मैंने कल बाहर पुलिस बाजार में दुकानें लगी थी वहाँ पर भी देखा था। ये हम कम से कम दिन में 100 रुपए का खा लेते हैं। 100 रुपए का पान सुपारी और चूना, बस ये होता है? बस यही होता है। ये कहा आपको 10 रुपए में 5 पीस मिलेगा सिर्फ, वो भी सुपारी। सुपारी बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाई बोलते हैं। क्वाई, ये खासियत है भाई अपने इंडिया की, आप मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे जाते हो ना, कोई भी एक चीज़ हो गई उन्हीं चीज़ों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पान एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर जगह मिलता है, लेकिन अब बताओ खाने का तरीका कितना अलग है यहाँ पे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कोयला लोडेड था इसमें। शिलोंग से एक मेरा पुराना रिलेशन है, मेरे जो दादाजी थे उनके जो भाई थे, मतलब मेरे भी दादाजी हुए, वो यहाँ पर पोस्टेड थे आई थिंक 1979 के आसपास। तो वो कोई विलेज था यहाँ पर, उसका नाम था नानथू माई। तो कितनी दूर है वो यहाँ से? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा, तो मुझे ये तो पता नहीं कहाँ पर रहते थे वो, लेकिन उस जगह का नाम पता है, नानथू माई एक गांव हुआ करता था, छोटा सा कस्बा। तो तब हम सुना करते थे शिलोंग के बारे में और सोचा करते थे कि कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे वहाँ पर। अब देखो आज मौका मिला है शिलोंग में घूमने का। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है, ये सारे टी गार्डन है ना, चाय के बाग। ये दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जाते हैं? ये लेफ्ट में आपको चला जाएगा चेरापुंजी डाउकी। अच्छा, ये राइट में आपको चला जाएगा मौसमराम, सीक्रेट फॉरेस्ट। राइट से सीक्रेट फॉरेस्ट करके भी एक जगह है यहाँ पर, अगर वहाँ आपको जाना है तो आपको कम से कम 2 दिन का समय तो शिलोंग में देना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एलिफेंटा वाटरफॉल। कितना सर? एक आदमी का पार्किंग एंट्री और आपका? अच्छा, आपका नहीं लगता है? हमको नहीं लगता। तो ये 20-20 रुपए की 3 पर्ची लिए हैं हमने, एक है कार की पार्किंग, एक मेरे लिए और एक कैमरे के लिए। थैंक यू। तो जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे राइट हैंड साइड पे वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी और दिख भी रहा है सामने से, और अच्छा व्यू आएगा। तो ये पहला वाटरफॉल है, देखने में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर बस एक ही एक्टिविटी हो रही है फिलहाल, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, फोटोज अपनी खिंचा रहे हैं और यहाँ के क्लाइमेट का मज़ा ले रहे हैं। फर्स्ट वाटरफॉल राइट हैंड साइड पे, सेकंड और थर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे। दूसरे और तीसरे वाटरफॉल का रास्ता वो और नीचे जाकर है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ मुझे ठंड थोड़ी और ज़्यादा महसूस हो रही है। ये वाला वाटरफॉल थोड़ा ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा आक्रामक दिख रहा है मेरे को, और एक पीछे छोटी सी गुफा टाइप की बनी हुई है जहाँ पर भी लोग आकर फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ लोगों को, नीचे आ जाता हूँ। तो मैं अभी आ गया हूँ एकदम एक्सट्रीम एंड पे, इसके आगे रस्सी लगी हुई है, उसके आगे आपका जाना बिल्कुल मना है, और सामने लिखा हुआ है स्नान और तैरना सख्त वर्जित है। तो इस वाटरफॉल में ना आप नहा सकते हैं ना आप स्विमिंग कर सकते हैं। ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये तीसरा और आखिरी वाटरफॉल है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वाटरफॉल की ब्यूटी यही है कि ये सीढ़ियों की तरह से ये रॉक्स यहाँ पर बने हुए, तो जब पानी इन पर गिरता है तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। आई थिंक यही एक खासियत है इस वाटरफॉल की, जिस वजह से ये वाटरफॉल इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है आधा एक घंटा बड़े आराम से यहाँ पर स्पेंड किया जा सकता है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और मुझे लगता है अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ अभी जो हमें देखना बाकी है। तो आप लोग यहाँ के नज़ारे लो और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं वाटरफॉल देखकर ऊपर आ गया, सीढ़ियाँ थी तो थोड़ी सांस फूलने लगी ऊपर आते आते, और ये एक और एक्टिविटी यहाँ पर होती है,
यहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो है जहाँ पर आप ट्रेडिशनल खासी अटायर जो होता है उसे पहन कर फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में। देखो और एलिफेंट वाटरफॉल के थोड़ा ही से आगे यहाँ पर चाय के बाग हैं, यानी कि टी गार्डन्स। तो मैंने अपनी गाड़ी रुकवा के सोचा कि एक बार यहाँ तक आएँ तो चाय के बाग भी देख ही लिए जाएँ। प्रशांत, एड्रेस मुंबई। थैंक यू सर। ये 10 रुपये का टिकट है, इस टिकट को लेकर आप ये चाय के बाग देख सकते हैं। ये चाय के बाग अभी तक मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, फर्स्ट टाइम मौका मिला इसको सामने से आके देखने का। यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है किसी भी पौधे को हाथ नहीं लगाना है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चुपचाप से बस इस गार्डन को देखो, इस खूबसूरती को देखो, फोटो खिंचाओ और अपना रास्ता नापो। जैसा कल भी बताया था कि शिलोंग पीक आज बंद रहता है वेडनेसडे को। शिलोंग पीक यहाँ का बहुत ख़ास व्यू पॉइंट है, बहुत लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन वेडनेसडे को बंद रहता है इसलिए हम वहाँ पर आज नहीं जा पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ग्वालापट्टी करके कोई जगह है शिलोंग में, और यहाँ संजीव भाई का गैराज है, उनकी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कुछ कार्बोरेटर का कुछ तो पंगा हुआ है। वो अपनी गाड़ी हमेशा यहीं पर सही कराते हैं, सामने उनका गैराज था, रास्ते में ही पड़ गया तो उन्होंने बोला थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और जब तक भाई साहब अपनी गाड़ी सही करा रहे हैं तब तक मैंने कहा इस जगह का मुआयना कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इस मोहल्ले में ऐसा बोलते हैं यहाँ पर कोई भी अलग कास्ट का बंदा नहीं रहता, जैसे नेपाली हो गया या बांग्लादेशी हो गया या बंगाली हो गया, यहाँ पर सिर्फ खासी कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं, ये उनका मोहल्ला है। और घर देखो कितने प्यारे बने हुए हैं, छोटे छोटे टीन के पत्रों के लकड़ी के घर बने हुए हैं। चलो अपना काम हो गया, निकलते हैं यहाँ से। इनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग ही होती होगी। अलग होती है। हेलो को क्या बोलते हैं? हेलो को जिसे कैसे हो है ना, हम लोग बोलते हैं कुंगनो। कुंगनो, कुंगनो मतलब हाउ आर यू। अभी कोई खासी मिलेगा उनसे पूछना कुंगनो, और अगर थैंक यू बोलना हो तो कुबलाई। कुबलाई, कुबलाई, कुबलाई मतलब थैंक यू। थैंक्स। खासी जो होते हैं उनकी भी खासियत है कि ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, कि मतलब अगर आप इनको कोई काम देंगे अपने घर पे, जैसे इन्होंने बताया कोई शादी वगैरह है, कैटरिंग का काम दिया, तो बहुत लॉयल्टी के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट बहुत देते हैं आपको। मेहनत भी सब यहाँ पे सब लड़की करते हैं, लेडीज। हाँ, ये मैंने देखा यहाँ पर हर शॉप में ज़्यादातर आपको लड़कियाँ मिलेंगी काम करते हुए, हर छोटी छोटी दुकानों में, मार्केट में सब्जी बेचते हुए, ये पान की दुकान में, ये ग्रोसरी की दुकान में, किराने की दुकान में आपको लड़कियां ही दिखेंगी यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ का जो लुक है, लोग शादी के बाद लड़का चला जाता है लड़की के घर। हाँ, ये मुझे मनोज ने कल बताया था, यहाँ पर शादी के बाद लड़की लड़के के घर नहीं जाती है, लड़का लड़की के घर आता है। और हम बातें करते करते पहुँच गए डॉन बॉस्को म्यूजियम, बस आ गया सामने। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है डॉन बॉस्को म्यूजियम। बेसिकली यहाँ पर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसके कल्चर के बारे में बताया गया है, हर एक स्टेट के बारे में बताया गया है जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, उनका कल्चर कैसा होता है, पहनावा कैसा होता है, वो लोग खाना क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। 100 रुपये का टिकट है, आप अंदर जाकर देख सकते हैं, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके ठीक बगल में सेक्रेट हार्ट थियोलॉजिकल कॉलेज है और उसी से जुड़ा हुआ ये है डॉन बॉस्को म्यूजियम। अच्छी जगह है, अगर आप शिलोंग आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसका कल्चर आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ देखने को मिलेगा। डॉन बॉस्को म्यूजियम से निकल कर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर अगर आप आते हैं तो आपको ये कैफ़े मिलेगा जिसका नाम है 3 Little Birds बिस्ट्रो। देखने में बहुत ही ज़्यादा आई कैची है, बॉब मार्ले का सामने पोस्टर लगा हुआ है। We are a big fan of Bob Marley. So, and the name actually, it's not about just the theme, it's something that we like, no? Okay. And the name Three Little Birds, actually, it's, I have 3 children. Oh, so, like that? Yeah, that's why we name it Three Little Birds. Very nice, so sweet. So, ye ma'am hai, jinka ye restaurant hai, she's the owner. And इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी के नाम पर इन्होंने द 3 Little Birds रेस्टोरेंट का नाम रखा है। और बॉब मार्ले के बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके हस्बैंड और ये भी, तो बॉब मार्ले थीम पर इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है। Served Chinese food. Yeah, Chinese and Naga food also. Okay. But that is only on Saturday and dosa, so okay. Indian. Excuse me, ma'am. The chow mein, no, it's gravy type. Gravy. Yeah.
Do you serve dry chow mein? What you call, like hakka noodles? Okay, you want the dry one, no? Yeah, the dry one. Veg. Vegetable chow mein. तो कॉफी पी रहे अभी हम लोग और साथ में हमने वेजिटेबल चाउमीन मंगाई क्योंकि मैडम बोल रही है कि यहाँ का जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है वो है चाइनीज और नागा फूड। और वैसे भी दो रीज़न है यहाँ पे रुकने के, पास में इतना खूबसूरत सा रेस्टोरेंट मिल गया तो मुझे लगा इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती है बैठने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के दो और हम थ्री लिटिल बर्ड्स जो कैफ़े था वहाँ से होकर हम आ गए हैं गोल्फलिंग में। शिलोंग का ये गोल्फ़ कोर्स है, यहाँ पर भी लोग आते हैं इस गोल्फ़ कोर्स को देखने के लिए, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए, चिल मारने के लिए, चिल मारने की बहुत जगह है यहाँ पे। बीच में ये रोड है, दोनों तरफ ये गोल्फ कोर्स बना हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ बहुत कम है तो प्राइवेसी के लिए बड़ी अच्छी जगह है, खुले में है लेकिन फिर भी बहुत प्राइवेसी है तो लोगों को भी बड़ी स्पेस मिल रही है। देखो हर एक कोने में छोटा छोटा दो तीन लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है। तो स्मॉल टाउन की एक खासियत होती है भीड़ कम होती है तो सुकून बड़े आराम से मिल जाता है। यहाँ गोल्फ कोर्स है ना, ये गोल्फ कोर्स। हाँ, तो इधर गोल्फ नहीं होता, फुटबॉल होता है? नहीं, खेलने देता है हमें। हाँ, खेलने देता, खेल देते हो? This is ticket talking mazza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. Man, this is ticket talking mazza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it. चलो हो गया गेम, आ जाओ। चैनल दिखाओ। बच्चा पूछ रहा है चैनल का नाम तो बता देता हूँ। एज क्या है? एज 13। 13 हो? खुद का मोबाइल है तुम्हारा? नहीं। तो तुम्हारे घर वाले दे देते हैं तुमको मोबाइल? दे देते हैं? हाँ, सिर्फ थोड़ा। हाँ, थोड़ा वक्त लिया। बेटा ये है चैनल ब्लॉग ऑन विद प्रशांत, ठीक है? वो देखो कैमरे की तरफ बोलो, हाय बोलो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलो, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नॉर्थ ईस्ट के लोग। बच्चे बड़े जड़ीले हैं यहाँ के, आप वही देख रहे थे यहाँ पे सब एक से बढ़कर एक है, टंबो में। जो एरिया है यहाँ पर गवर्नर हाउस है शिलोंग का, इसके आगे से हम राइट लेंगे तो हम पहुँचेंगे वाट्स लेक। तो अभी हम जा रहे हैं वाट्स लेक। तो ऐसा कुछ नज़ारा है वाट्स लेक का, बोटिंग करने के लिए बहुत बड़ी झील है यहाँ पर और बोर्ड लगा हुआ है ब्रिज पे ज़्यादा देर खड़े मत रहो, लेकिन वहीं पे रुककर पब्लिक फ़ोटो खिंचा रही है। तो इस वाट्स लेक को देखकर ऐसा लग रहा है बिल्कुल मुझे अपने कानपुर के मोती झील की याद आ गई, बिल्कुल वैसे ही है ये। अभी सिर्फ दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, मौसम देख लो भाई, क्या पता बारिश भी हो जाए थोड़ी देर में। थोड़ी जानकारी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये जो झील है, इस झील का नाम बेसिकली जो असम के पुराने चीफ कमिश्नर थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है, सर विलियम वार्ड, और उनके समय में इस झील को बनाने की शुरुआत की गई थी लेकिन बाद में इसे कम्प्लीट किया गया 1894 में कर्नल हॉपकिंग्स ने। बाहर यहाँ पर राजभवन है यानी कि गवर्नर रेजिडेंशियल एरिया, तो आपको ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी झील है, बोटिंग कर सकते हैं आप और साइड में इतना प्यारा खूबसूरत सा गार्डन है, पीछे कैफेटेरिया भी है। और आप ऐसा समझ लो शिलोंग के जो वन ऑफ द मोस्ट व्यू पॉइंट्स हैं उनमें से एक है ये वाट्स लेक, तो अगर आप शिलोंग आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आओ। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं। सो गोल्फ लिंक से 10 मिनट की दूरी पर ये है UNI आर्ट कैफ़े जहाँ पर हम आए हुए हैं इस वक्त, बहुत ही आर्टिस्टिक कैफ़े है, इसका जो इंटीरियर है बहुत ही ज़्यादा कूल और क्रिएटिव है। यहाँ पर हम बैठते हैं बाहर थोड़ा इत्मीनान से क्योंकि अंदर मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो हमारे ब्लॉग की वजह से, और अंदर म्यूज़िक भी चल रहा है तो शायद हम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। First you without adding anything. Without one anything. Quarter of a cup without adding anything. You taste it. Then you add another quarter of a cup adding salt. Then you stir, then you drink it. Then okay. After that you add another quarter of a cup. Okay. You add this honey. Okay. Then you mix these two together. There are actually four different flavors to the tea. Thank you. So अभी यहाँ पर मैंने order किया है Rosella tea जो यहाँ का बहुत ही famous tea है। थोड़ा सा खट्टा taste है, जैसे नींबू पानी वाला टेस्ट है, और उसमें हल्का सा फ्रेगनेंस आ रहा है रोज़ का, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं।
बहुत हल्का सा टेस्ट चेंज हुआ। नींबू पानी में अगर थोड़ा सा नमक ऐड कर दो तो फिर जो फ्लेवर आता है ना, अभी कुछ वैसा लग रहा है, खट्टा और नमकीन। और इसका जो तीसरा स्टेप है तो ये शहद देते हैं थोड़ा सा, वाकई में तीनों बार में टेस्ट बिल्कुल अलग अलग लगा मेरे को। तीसरी बार में मीठा भी हो गया ये, मीठा खट्टा और नमकीन। और एक और चीज़ ये मैंने मंगाई है, ये है स्टीम राइस विद चॉकलेट केक, मतलब तो राइस को स्टीम करके स्मैश करके उसमें चॉकलेट को ऐड करके एक राइस केक बनाया है। इसके टेस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ चॉकलेट का फ्लेवर समझ में आ रहा है। राइस तो वैसे भी टेस्टलेस लग रहा है, मीठा भी नहीं है, नमकीन भी नहीं है, टेस्टलेस है। प्रेजेंटेशन एक नंबर, साइड में रख देते हैं। तो अगर आप शिलोंग आते हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना, यू एंड आई आर्ट कैफ़े नाम है इसका। वैसे तो इनके पास चाय के बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग तरह की चाय हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये टी ज़रूर ट्राई करना। और 4:15 बज रहे हैं तो फटाफट ये चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो शाम के अभी बज गए हैं 5 और मैं आ गया हूँ कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस चर्च, और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ चर्च है ये, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मैं गया था कैमरा लेके अंदर, लेकिन अंदर घुसते ही सबसे पहले बोर्ड लगा हुआ था फोटोग्राफी नॉट अलाउड। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही ज़्यादा शांत एटमॉस्फेयर है अंदर का। इससे पहले मैं किसी चर्च में गया था तो वो था माउंट मैरी चर्च जो मुंबई में है, और उसके अंदर की बनावट भी बिल्कुल ऐसी थी, सालों पुराना चर्च है, वो भी ब्रिटिशियंस के समय का बनाया हुआ। इसे देख के भी कुछ ऐसे ही लगता है कि ये भी बहुत पुराना चर्च है। आप में से किसी को अगर पता है इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। Actually, I'm a dancer. Oh. So I used to make vlogs. I really love to entertain. We all are artists, even they are dancers. Hi. Hello. How are you? I'm good. You are also from Shillong? Yeah, I'm from Shillong. So talented bande hain sare ke sare. And what do you guys do apart from dance? Dance. We are students. Students? Yeah. Great. Actually, I just want to ask about you. How much did you paid for you this camera and all that? Is bhai ko camera ka price puchna hai. Ye इंटरेस्टेड इसमें नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या बना रहा हूँ, इसलिए आया ये मेरे पास। एनीवेज बता दूँ, मैंने ये कैमरा दुबई से परचेज़ किया था, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा तो, लेकिन एक साल पहले, 1.5 साल पहले करीब। सो यहाँ पर इसकी कीमत थी जब 94,000, तब मैंने वहाँ से लिया था 70,000 का। ठीक है, मैं एक्चुअली ये बात नहीं है, आई रियली लव, मैं बस ये पूछना था तो नहीं आपका YouTube का नाम? Vlog on with Prashant. Okay, I found it. Yeah, subscribe. And press the bell icon. All. Sorry. Okay, thank you. Nice meeting you. Thank you so much, guys. Bye. चलो, you're doing a great job. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सब. कर लिया अब मैंने, अभी अभी इन लोग को फॉलो करो. Good. चलो बाय। नॉर्थ ईस्ट में भी अपने सब्सक्राइबर्स हो गए, अच्छी बात है। आई होप ये वीडियो भी अच्छा लगेगा आपको, तो जैसे इन बच्चों ने किया वैसे आप लोग भी कर देना। नॉर्थ ईस्ट वालों आपसे बोल रहा हूँ ये। तो बस अभी निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ से निकल कर संजीव भाई मुझको किसी ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पर मुझे शेयरिंग कैब मिल जाएगी वापस गुवाहाटी जाने के लिए। और एक बात आपको बता दूँ, अगर आप कैब करके आते हो, प्राइवेट कैब करके आते हो, तो आपको 2,000 से 3,000 रुपये देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको शिलोंग से वापस गुवाहाटी जाना है तो यहाँ से शेयरिंग कैब्स भी चलती हैं जो कि आपको 300 से 400 रुपये में पहुँचा देंगे गुवाहाटी। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सोलो ट्रैवलर आता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू भाई। सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं दबा के यहाँ पे, अब देख लो वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोग भी कर देना। मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगी इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। तो मुझे यार वाकई में बहुत मज़ा आया, थोड़ा कम समय लेकर आया था लेकिन जितना भी टाइम स्पेंड किया, पूरा एक दिन यहाँ पर शिलोंग में, एक दिन गुवाहाटी में, मुझे बहुत मज़ा आया और आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा जितना कुछ मैंने दिखाया इतने कम समय में। एंड आई एम श्योर मेरा दोबारा यहाँ पर आना बहुत जल्दी होगा, और बहुत सारी जगहें जो मिस हो गई हैं वो अगली बार आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इस चैनल पर। सो आई थिंक इनफ फॉर द डे गाइस, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हर बार की तरह शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना ये 2 दिन जो हमने घूमे हैं नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी और
शिलोंग में आपको ये ब्लॉग्स कैसे लगे? So enough for the day guys, thank you so much for watching this video. This is Prashant signing off, see you soon in the next vlog, bye bye, take care, love you all, bye bye Guwahati, bye bye Shillong, see you soon. And it's a ticket, talking magic for the figures, that's a comma and a comma and a comma, gotta get it, get it.